हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की खबर ऐसा है कि हमारा हो चुका है नुकसान, आईबी वालों ने हमारा कर दिया है नुकसान। जी हाँ, और एवरेज इतनी आई नहीं जितनी फीड खा चुके थे ये। एफसीआर भी बहुत बढ़ चुकी है हमारी, 1.7 कुछ की चली गई, और बच्चा हमारा तैयार हुआ है 78 रुपीस में, वो 76 रुपये मांग रहे थे, तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो बच्चे की एवरेज आई है 2120 ग्राम। जी हाँ, सिर्फ 2120 एवरेज आई है, तो क्या फ़ायदा इसका। इतनी फीड खिलवा कर कंपनी वालों ने कॉस्ट कम कर दी, 76 रुपये कॉस्ट कर दी। 76 रुपये में कौन सा बच्चा तैयार होता है, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। अगर हम अपना भी बच्चा डाल लें तब भी 76 रुपये में तैयार नहीं होगा। जी हाँ, तो कंपनी वाले का देख लो हाल, क्या बताएं अभी, मतलब कि दिल ही टूट गया। अब तो आईबी वालों को बाय बाय टाटा टाटा करना ही पड़ेगा हमें। अब मैं कोई दूसरी कंपनी देखता हूँ, संपूर्णा देखता हूँ, वो तो इससे बेटर है। 80 रुपये कॉस्ट है उसकी, और कम से कम बच्चा 78 रुपीस में आराम से 80 रुपये तक तैयार हो जाता है। 76 रुपये में कैसे तैयार करें बच्चा, कोई भी तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ के जितने फार्म हैं आईबी के, सबका रिजल्ट ख़राब है। और अगर आप में से किसी का आईबी का है तो हमें बता सकता है कि रिजल्ट ख़राब है कि ठीक है। जी तो मोडलिटी भी कल 40 थी, आज 22-23 हो गई उठने के बाद भी, तो ये पड़ी हुई है मोडलिटी। ऊपर दिखाता हूँ, 40 बैग पड़े हुए हैं फीड के। तो रात को गाड़ी आई थी तीन कश्मीर श्रीनगर की, तो तीनों भर गई। अब 500 नीचे है, 300 ऊपर बर्ड है, 900-950 बर्ड चाहिए, वो हमारे पास है। तो इसके कम से कम लगा लीजिए आप, छोटा बर्ड है, 14-15 क्विंटल 12-13 क्विंटल होगा ये। तो क्या करें यार, दिल टूट गया। इतनी अच्छी मेहनत कर रहे थे हम, इतनी मेहनत से हमने काम किया था, लेकिन जब फल नहीं ना मिलता, जब हम जितना हम इन्वेस्टमेंट किए उसके वो हमें वापस नहीं आता, तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, हमारे हिस्से में पता कौन से पैसे आएंगे, ये जो है ना मैल लीटर, इसके 5-7 हज़ार इसका ही आएगा जो आएगा, बस और कुछ नहीं हमारे हाथ लगेगा। जी हाँ, 16 हज़ार बंदे का देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफ़ी आ चुका है, 7 हज़ार बिल आ चुका है, और भी बहुत से खर्चे हैं, तो 1 लाख से भी कम आएगा पैसा, तो क्या करेंगे इतने पैसों में। तो आईबी वालों को तो मैं मना कर दूंगा, मैंने बोला नहीं भाई साहब, हाथ जोड़े आपके आगे, हमारे हमें चिक से ना दीजिए। तो मैं पहले बोलता आ रहा हूँ कि जो कंपनियाँ हैं ना, कंपनियाँ ये फार्मर को ठग रही हैं और उनका बुरा हाल कर रही हैं कंपनियां, तो क्या करें यार, कोई अच्छी कंपनी मिल ही नहीं रही। आईबी वालों को तो बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। पिछला लाड जो मेरा निकला, मुझे इन्होंने बताया ही नहीं कि 76 रुपये 19 पैसे कॉस्ट हो चुकी है, मुझे बताया ही नहीं। मैंने बोल रहा हूँ जीसी सेंड कीजिए, नहीं की। इस लाड में सेंड की, अगर मुझे पिछले लाड में पता चल जाता कि जीसी ये है, तो मैं सच बोलता हूँ, मैं डालता ही ना, मैं वेंकी का डाल लेता यार, उससे अच्छा तो वेंकी है। 94 रुपये में बच्चा मांग रही है, 94 रुपीस में 94 रुपये में बच्चा तैयार मांग रही है, तो मैं जो वेंकी का डाला था, मैंने 88 रुपीस में बच्चा तैयार कर दिया था वेंकी का। जी हाँ, तो अगर आईबी वालों को कॉस्ट होती ना, आईबी वालों को कॉस्ट होती, आज 82 रुपये कुछ पैसे थी, अगर होती तो मैं सच बोलता, तो मेरा बच्चा 78 रुपीस में तैयार हो गया, तो यानी कि मुझे 3 रुपये मिल जाते, और 10.5 रुपये का हो जाता, तो मेरा 2 लाख कुछ बन जाता। अब तो लाख भी नहीं बनेगा, 70,000-80,000 बनेगा, उससे मैं क्या करूँगा। बंदे का पैसे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा, उसका भूसी मंगाऊंगा, बुरा मंगाऊंगा, क्या करूँ उससे, कुछ भी नहीं बचेगा, घर क्या दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लीजिए आप कंपनियों का हाल। तो
हमारे तो आईबी के हाथ आई बी ने हाथ खड़े कर दिए। हम आईबी को अब कहेंगे हमेशा के लिए बाय बाय। अगर ये इन केस अगर अपनी कोस्ट सही करती है तो फिर हम इसको डाल लेंगे, नहीं तो फिर बाय बाय करते हैं हम और मैं दूसरी कंपनी कोई देखता हूँ, जैसे लोकल कोई कंपनी देखता हूँ या फिर संपूर्णा देखता हूँ। जी हाँ, संपूर्णा कंपनी देखता हूँ या फिर लोकल कंपनी कोई देखता हूँ, फिर या फिर मैं कोशिश करूँगा अपना चिक्स डालने की। कम से कम 4000 चिक्स अपना डाल लूँ तो कोशिश करूँगा अपना चिक्स डालने की। देखते हैं जो भी होगा उस हिसाब से, रेट के हिसाब से सब कुछ होगा। अब तो रेट बढ़ेगा ही, तो देखते हैं क्या करना फिर अभी। तो फिर दोस्तों अब हम इसी जो हमारा दूसरा फार्म है उसकी तैयारी करेंगे। अब हम उसका भी चिक्स 4-5 तारीख को आएगा, तो कंपनी वाले आईबी वाले बोल रहे थे मुझे कि आपके चिक्स भी 4-5 को आएगा। मैं अब मना कर दूंगा, सर नहीं मुझे चिक्स आपका नहीं चाहिए, अब मैं संपूर्ण कंपनी या कोई और कंपनी देखता हूँ, क्या करना है अभी। तो फिलहाल तो आज मैं रेस्ट करूँगा फ्री माइंड से, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी है, तो मैं फ्री माइंड से आज पहला मैं रेस्ट करूँगा, सोऊँगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी है आज रिजल्ट देखकर। जितना मैंने काम किया है पूरा दिन यहाँ पर रहकर, उस तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो देखता हूँ मैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।